अपने बेटे को कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा बेटा है, तो ये एक बार सपना देख रहा था, तो ये मेरे से बता रहा था कि ये गया था मार्स पे। कौन सी जगह गए थे? मार्स पे। और मार्स पे क्या मिला था तुम्हें? मछली। मछली इसको मिली थी। इसको मार्स पे कौन सी मछली थी? बोलने वाली। बोलने वाली मछली मिली थी इसको, और वो तो जादू वाली थी, और उसके अंदर जादू भी था। तो ये क्या हुआ था कि ये कह रहा था कि पापा मैं गया था मार्स पे, और मार्स पे मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था और चॉकलेट खा रहा था। और तो उसके बाद में क्या हुआ कि नदी के किनारे एक मछली आई, और मछली कितने किसकी थी? सोने की थी, कह रहा था। और वो मछली इसको क्या कहती है कि हेलो दीपित, हाउ आर यू। तो दीपित डर जाता है, कह रहा रे ये तो पहली बार मैं ऐसी मछली देख रहा हूँ जो कि बोल सकती है। तो ये तो कहता है कि तो ये कुछ बोलता नहीं है, डर जाता है। तो कहती है कि तुम डरो मत दीपित, तुम मेरे साथ खेल सकते हो। तो दीपित कहता है कि मैं कैसे खेल सकता हूँ इस मछली के साथ? तो मछली क्या कहती है कि डरो मत, मेरी मम्मा आएंगी, मम्मा अपने पीठ पर बैठा करके तुम्हें घुमाएगी। तो दीपित के हाथ में एक डंडा होता है ना, वो डंडा होता है। फिर क्या होता है आगे बताओ, क्या होता है आगे? एक मगरमच्छ आ जाता है, तब वो खाने के लिए मछली को कर पकड़ लेता है, तब उसको मैं लकड़ी मार देता हूँ उसके कान में, तब वो भाग जाता है, मगरमच्छ भाग जाता है। फिर वो मछली बहुत खुश होती है, क्योंकि मछली जो था उसको मगरमच्छ खाने आ रहा था, और दीपित उसके कान में एक डंडा मार देता है, वो भाग जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि मछली अपने घर लेके जाती है दीपित को पानी के अंदर, और वहां पे उसका बहुत बड़ा महल होता है। अरे तब जब मुझको पानी के अंदर जाना पड़ेगा, तब तो मुझको आँख में चश्मा भी लगाना पड़ेगा और मुंह में ऑक्सीजन। हाँ, तो ये दोनों लगा के गया था, तो क्योंकि वो महल रानी के महल में गया था, मछली रानी के महल में, और वहां पे उसको बहुत सारे मछली के बच्चे मिले, बहुत सारे। इसको क्या क्या खाने के लिए दिए थे तुझे? चॉकलेट। चॉकलेट दिए थे। फिर ये जब कहता है कि तो फिर उसके बाद में इसको उस मछली से प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है ना? कैसे प्यार होता है? फिर हाँ, फिर ये इसको मछली से प्यार हो जाता है, फिर ये मछली से शादी कर लेता है। कर लेता कि नहीं कर लेता है? सही बता, ये मछली से शादी कर लेता है। और उसके बाद में ये स्पेसशिप में बैठ करके कहाँ आता है? नानी के घर। नानी के घर जाता है? नहीं, हाँ, अर्थ। अर्थ पे आता है। फिर उसके बाद भी ये अपनी वाइफ, मछली वाइफ को लेके आता है, फिश वाइफ को। फिर सब देख करके उसको डर जाते हैं, अरे ये एक बच्चा है और इसने मछली से शादी कर लिया है, और वो मछली ऐसी होती है ऊपर से आदमी के जैसी होती है और नीचे से मछली के जैसी होती है। तो फिर क्या होता है? फिर बच्चे देख लेते हैं, तब वो उसको ले जाता है और उसको वो चॉकलेट भी देती है। फिर ये कहता है कि मैं दोबारा से मार्स पे जाऊंगा, और मार्स पे जाऊंगा और अपनी वाइफ को लेकर के जाऊंगा, मछली वाइफ को, और घुमा के लाऊंगा। कहाँ से घुमा के लाओगे? मार्स से। फिर ये और मछली तीनों स्पेसशिप पे बैठते हैं, फिर ये मार्स पे जाता है, मार्स पे वहाँ पे सबसे मिलता है। स्पेसशिप वो रॉकेट पे बैठ के जाता है। फिर जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, फिर ये जैसे ही जाता है सारी मछलियों से मिलता है वहाँ के गोल्डन मछलियों से, फिर इसका सपना टूट जाता है, ये सपना देख रहा होता है। बाय गाइस, आगे अगली कहानी बताएगा ये।